खरगोन के उत्कृष्ट विद्यालय की जमीन फर्ज दस्तावेज बनाकर अधिकारियों के साथ साठगांठ कर बेचने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने क्रेता और विक्रेता सहित 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। जन सुनवाई में शिकायत पर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने SDM से इस पूरे मामले की जांच करवाई थी। शुक्रवार की देर शाम कलेक्टर के पारित आदेश उपरांत आज कोतवाली थाने में विक्रेता रुपेंद्र सिंह पिता इंदर सिंह, क्रेता दिव्य दर्शन डेवलपर्स खरगोन, जमुना दास गुप्ता, सचिन जैन, राहुल गुप्ता, प्रवीण कुमार जैन और दर्शन जैन के खिलाफ धारा 420 120B के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया। विवेचना के बाद फर्जी दस्तावेज बनाने में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों पर भी पुलिस कार्यवाही की गाज गिर सकती है। 27 सितंबर 2022 को सुधीर कुलकर्णी ने जन सुनवाई में शिकायत की थी कि क्रेता विक्रेता और अधिकारियों की मिलीभगत से शहर के मध्य करीब 50 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य की उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान की जमीन की खरीदी फरोख्त हो गई है। कब्जा न हक फिर भी स्कूल मैदान की शासकीय जमीन 1,57,00,000 में बिक्री हो गई है। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा के निर्देश के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई है। सुधीर कुलकर्णी की जन सुनवाई में शिकायत की जांच तत्कालीन SDM ओम नारायण बड़कुल ने की थी। जांच में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खरगोन की 85 वर्ष से कब्जे की जमीन के खेल ग्राउंड वाले हिस्से को कृषि भूमि बताकर रुपेंद्र सिंह सोलंकी ने हड़प ली। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। वहाँ से लगा के ये दीवार और उसके लगा के वो जो तार फेंसिंग थी पहले वहाँ तक का लिया हुआ है, वो पट्टी सीधी आई है और कुछ पट्टी थोड़ी सी ऐसी के नक्शे में है। कितनी कितनी है होगी जमीन? करीब लगभग 1.25 एकड़ ये जमीन है। 1.25 एकड़ जमीन है इसको वास्तव में जो है कम से कम 20 करोड़ का इसका सौदा हुआ था, बाकी और एक्चुअल कीमत भी जो है लगभग 20 करोड़ रुपये है और उसके हिसाब से स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो 60 करोड़ रुपया होता है। वो जो इन्होंने केवल 1.5 करोड़ रुपए में इसको बिक्री कर दी। आज तो जमीन तो इनकी थी नहीं, इनकी है ही नहीं जमीन, सरकारी है, बिल्कुल सरकारी है, खेल मैदान है। वो किसने बेची है? ये वो कोई दरबार है क्या, रुपेश दरबार, उसने बेची है और कुछ दो तीन सचिन जैन और वो दिव्य कंस्ट्रक्शन के लोग हैं, उन्होंने झूठे दस्तावेज बना के ये क्या है। खरगोन का हाई सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है। ये हाई सेकेंडरी स्कूल लगभग 100 साल पहले से यहाँ पर संचालित हो रही है और 100 साल पहले से ये जो है पूरे खरगोन नगर का एक सार्वजनिक खेल मैदान रहा है और सारे स्कूल के बच्चे और सारा यहाँ प्रतियोगिताएं होती है, खरगोन नगर के सारे कार्यक्रम होते थे। अभी किंतु कुछ दिन पहले लगभग 3 साल पहले राजस्व अधिकारियों से साठगांठ करके कुछ लोगों ने उस पर अपना नाम चढ़वा के जो है उसके 3 साल पहले विक्रय विलेख लिखवा लिया। उस संबंध में 1 साल पहले मेरे द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई थी, उसके बाद प्रशासनिक विभिन्न स्तरों पर जांच करने के बाद माननीय कलेक्टर महोदय ने जो आर्डर दिया हुआ है वो खरगोन के हित में है और वास्तव में जो सरकार जो है आम जनता के हित में जो कार्य कर रही है वो इससे सिद्ध होता है कि जो है सरकार जो भूमाफिया है जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये खरगोन नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किन लोगों पे कार्रवाई हो रही है? ये रुपेश चौहान था, उसने जो है ये विक्रय पत्र लिखा है और दिव्य कंस्ट्रक्शन करके एक ने फर्म बनाई थी, उसके 6-7 लोग पार्टनर हैं, उन पार्टनरों ने वो जमीन खरीदी थी और उनके खिलाफ जो जिन्होंने जमीन बेची है और जिन्होंने जमीन खरीदी है उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। क्या मामला और किसमें कौन कौन लोग मिले थे? क्या ये हाई सेकेंडरी खेल मैदान है, इसमें कुछ लोगों ने फर्जी रजिस्ट्री बनाई है, उसमें प्रशासन ने जो कलेक्टर महोदय ने कल आर्डर दिया है उसमें जिसने जमीन ये बेची है रुपेश चौहान उसने और दिव्य कंस्ट्रक्शन के पार्टनर हैं जिन्होंने जमीन खरीदी है उनके खिलाफ जो है प्रशासन ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया और आपराधिक मुकदमा प्रशासन ने ये माना है कि इन्होंने आपराधिक कार्य किया है, झूठे दस्तावेज बना, इसलिए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है। क्या लोगों को ये कुल मिला के 1 विक्रेता है और 6 क्रेता हैं इसमें, तो ऐसे कुल 8-9 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है। कितने की जमीन होगी क्या? ये जमीन वास्तव में तो कम से कम 50 करोड़ रुपए से अधिक का मूल्य है, बाकी 1.5 करोड़ में इन्होंने जो है इसका मूल्यांकन करके रजिस्ट्री करवाई थी
और ये जो है वास्तव में एक तो खेल मैदान है, 100 साल से खेल मैदान पूरी जनता इसका उपयोग करते आ रही है, बाकी कुछ लोगों ने साठगांठ करके वो खेल मैदान पर कब्जा करने के उद्देश्य से झूठे दस्तावेज बनाए हैं। और ये मैंने इसमें लगभग 1 साल पहले जन सुनवाई में शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय के वहाँ पे, और वहाँ पर 1 साल तक जांच होते रही और जांच में मेरी शिकायत को जो है प्रशासन ने पूरी तरह प्रमाणिक माना और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अधिकारियों के भी लिप्त होने की संभावना है? हाँ, उसमें 4 अधिकारी हैं, 1 पटवारी है, 1 गिरधावर, 1 तहसीलदार है, उस समय के जो है SDM जो उन्होंने सारा वो किया हुआ है, और उस समय के जो पंजीयक है जिनने विक्रय पत्र निष्पादित किया था उनके समक्ष उन्होंने बिना कोई स्थिति देखे वो कर दिया है। इसके खिलाफ उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है। ये आदेश जारी हुआ क्या मानते हैं आप जिस प्रकार? बिल्कुल, ये तो आम जनता की जीत है और मैं तो आम जनता के लिए सदा लड़ते रहता हूँ और उसी के लिए खरगोन की जीत हुई है। ये कारण 100 साल से खरगोन जो है खेल मैदान मानता आ रहा है, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने साजिश रची और हमने कार्रवाई करी, सभी नागरिकों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा और आम जनता की जीत है सब। कृषि भूमि बताई, ये कृषि भूमि बता के उन्होंने रजिस्ट्री करवाई है, जबकि ये कभी कृषि भूमि रही नहीं, कभी 100 साल से खेती हुई नहीं। विक्रेता का नाम ही नहीं चढ़ा हुआ था? नहीं, वो उसमें क्या था कि कुछ ज़मीन का उन्होंने एक जगह नाम चढ़ा हुआ था बीच में, तो साठगांठ करके उसको व्यवस्थित कर लिया उन्होंने और उसके आधार पर फिर विक्रय पत्र निष्पादित कर लिया, जबकि वो उनके पास उस ज़मीन का कब्जा भी नहीं था और कुछ नहीं था। कब्जा किसका है? कब्जा तो सार्वजनिक खेल मैदान है, स्कूल का कब्जा है। क्या नाम लिखते हैं पूरा? सुधीर कुलकर्णी। उत्तर विद्यालय वाला मामला, इसमें FIR दर्ज की गई सर, क्या मामला सर? ये श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के न्यायालय से इसकी एक जांच हुई थी, जिसमें कि उत्कृष्ट विद्यालय जो है उसकी शासकीय भूमि का कुछ क्रेता जो है खरीदार और बेचवाल के द्वारा उसमें सौदा किया गया था, जिसकी कि श्रीमान SDM महोदय द्वारा जांच की गई और जांच पे से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उस प्रतिवेदन के आधार पर 5 खरीदार और 1 क्रेता, इन 6 लोगों के विरुद्ध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अवैध रूप से जमीन को शासकीय भूमि को बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की धारा 420 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अब क्या कार्रवाई होगी? इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना के आधार पर इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो विवेचना के आधार पर जो अन्य धाराएँ वगैरह उसमें जो भी प्राप्त होगी उसके द्वारा धाराएं बढ़ाई जाएगी। उसमें हाँ, संपूर्ण जांच पर से जो भी पक्ष जिसके भी विरुद्ध अपराध विवेचना के दौरान आपराधिक कृत्य पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या अनियमितता पाई गई थी? करोड़ों की बेस कीमत थी, जमीन कम दामों में बेची गई। इसमें संपूर्ण जांच जो है जिला दंडाधिकारी महोदय खरगोन के द्वारा उनके न्यायालय में जो है केस चला था ये, और वहाँ पर जाँच की गई है। जांच में जो अनियमितता पाई गई उसी के आधार पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।